हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिजिकल एजुकेशन की प्रैक्टिस एमसीक्यूज क्वेश्चन। दोस्तों, जैसा कि मेरे चैनल पे सभी फिजिकल एजुकेशन कम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोज है, थ्योरी सेशन स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक टॉपिक पर मिल जाएंगे। थ्योरी आप एक बार सभी वीडियो को जरूर देख लीजिए, जिससे आपको हर चीज क्लियरिटी हो जाएगी, चाहे डोपिंग हो, चाहे डिजीज हो, चाहे आपका शारीरिक चिकित्सा हो, हर एक टॉपिक पर आपको बेहतरीन जानकारी दिया गया है। उसके बाद प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस सीएलटी एंड अदर स्टेट, चाहे हरियाणा हो, डीएसएस भी हो, चाहे मध्य प्रदेश स्टेट हो, तो दोस्तों अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका कब है, जैसे कि मध्य प्रदेश का जल्द ही होने वाला है और यूपी टीजीटी का जिसने फॉर्म भरा हुआ है वो भी अपनी तैयारी में पूरे मेहनत से लग जाइए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्य संवेदी अंग कौन से हैं? संवेदी अंग यानी सेंसरी ऑर्गन, जो हमारे हमको ज्ञान को लेकर के उस संवेदनाओं को, सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है, जैसे कि वो पांच होती है, नेत्र, कान, नाक, त्वचा और जीभ। ये पांच है तुम्हारे ज्ञान इंद्रियां यानी कि संवेदी अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सही मिलान करना है। यहाँ पे आपका दिया है मोतिया बिंद जो है वह आंखों में होता है, पीलिया हेपेटाइटिस जिसे कहते हैं, यह वायरल डिजीज है, जो यकृत यानी लीवर को प्रभावित करती है। मधुमेह जो है अग्नाशय की खराबी के कारण होता है, अग्नाशय में जो ग्लैंडर है इसकी बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन, उसके कम स्त्राव से मधुमेह हो जाता है एंड गठिया जो है हड्डियों की बीमारी है। तो यहां पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णता से ग्रसित व्यक्ति को किन दो रंगों में भेद करने में असुविधा होती है? तो वह रंग होता है लाल और हरा। जैसे कि दोस्तों हमारे नेत्र में दो सेल होते हैं, कोन सेल और रोड सेल। कौन सेल जो होता है हमारे रंगों में फर्क करने की क्षमता बताता है, और जो रोड सेल होता है वह अंधेरे में प्रकाश, अंधेरे उजाले में फर्क बताता है। तो जो जब हमें रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, तो उस सिचुएशन में नाइट ब्लाइंड नहीं यानी रात को दिखाई नहीं देता, उसमें आपका नेत्र का जो रोड सेल होता है वह ग्रसित होता है। यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णता में जिसमें लाल व हरा रंग देखने में परेशानी होती है, तो ये आपको रंगों में डिफरेंट बताता है कौन सेल, तो इसमें आपका कलर ब्लाइंडनेस में कौन सेल आपका प्रभावित होता है। नेक्स्ट दोस्तों, वृद्धावस्था में आंखों में सामान्य समस्या होती है, तो ज्यादातर वृद्धावस्था में मोतिया बिंद हो जाता है। नेक्स्ट है, उद्योगों में अपर्याप्त प्रकाश इसका कारण होता है, तो वह भौतिक खतरे का कारण होता है उद्योगों में अपर्याप्त प्रकाश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन तंत्र से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों उत्सर्जन तंत्र से तात्पर्य होता है जो भी हमारे शरीर में दूषित पदार्थ है उन सभी को बाहर निकालना ही उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट है, पेशाब से प्रतिदिन कितना पानी खर्च होता है? दोस्तों तो 1500 ml यानी कि 1.5 लीटर के बराबर प्रतिदिन पेशाब से पानी खर्च होता है। नेक्स्ट है, त्वचा यानी स्किन से प्रतिदिन लगभग कितना पानी खर्च होता है? तो 900 ml होता है। नेक्स्ट है, किडनी यानी कि ब्रिक के ऊपर अपर लोब जो में जो ग्रंथि स्थित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, जो दो किडनी के ऊपर होती है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में किडनी प्रत्येक घंटे में कितनी बार रक्त साफ यानी फिल्टर करती है? तो हमारे वो दो बार, प्रत्येक घंटे में दो बार रक्त को फिल्टर करती है।
ये आप ध्यान में रखिएगा, रक्त को फिल्टर करने का काम, छानने का काम करता है किडनी। नेक्स्ट डिजीज यानी कि रोगों से जो क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन है सिफिलिस के लिए कारण अभिकर्मक है, तो सिफिलिस जो है ट्रेपोनोमा फैलेरियम नामक बैक्टीरिया से होता है। सिफिलिस जो होता है वह एक एसटीडी यानी कि सेक्सुअल डिफॉर्मिटीज डिजीज है, जो मूत्र मार्ग में घाव हो जाता है। नेक्स्ट है संक्रामक रोग वह है, तो दोस्तों संक्रामक रोग कहते किसे हैं, तो संक्रामक रोग जो है वह एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छूने से फैलता है, वह जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया प्रोटोजोआ एंड फंगस के माध्यम से एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैलने से होता है, उसी को कहते हैं संक्रामक रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग वर्णता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसमें ऑप्शन सही है लाल व हरा। और इसमें आंखों का कोन सेल खराब हो जाता है, और नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी भी आंखों का रोड सेल खराब हो जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हीमोफीलिया में क्या होता है, दोस्तों हीमोफीलिया ऐसा रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, यदि आप कहीं पे कट गए तो वहां पे जो आपका प्रथम वीर होता है यानी कि प्लेटलेट्स होता है वह एक्टिव नहीं हो पाता। इसमें क्या होता है, जो हमारा हिपेरिन होता है शरीर के अंदर रक्त को तरल अवस्था में बनाए रखता है हिपेरिन, वह इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है कि वायु के संपर्क में आने के बाद यानी कटने के बाद भी वह ज्यादा एक्टिव रहता है, और अन्य जो रक्त को दबाने वाले जमाने वाले होते हैं वो एक्टिव नहीं हो पाते उसके चलते, और रक्त नहीं जमता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है, इसी को कहते हैं हीमोफीलिया। नेक्स्ट है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन की कमी से होता है घेंघा रोग ग्वाइटर। नेक्स्ट है डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है, तो दोस्तों डिप्थीरिया जो होता है वह छोटे बच्चों को अक्सर होता है। ये डिप्थीरिया क्या है, डिप्थीरिया जो है कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक बैक्टीरिया से होता है, जिसको रोहिणी भी बोला जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और डिप्थीरिया में श्वास नली प्रभावित होती है, इसमें तीव्र ज्वर व श्वास में पीड़ा होती है, और हमारे कंठ में जाली जैसा बन जाता है जैसे आपको कोरोना वायरस में होता है, उसी का सारा लक्षण है डिप्थीरिया में। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका किस रोग से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों जो बीसीजी का टीका होता है वह छह रोग के लिए यानी छह रोग को आपको तपेदिक भी कहा जाता है, टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है, ठीक है, तपेदिक क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस एक ही नाम है, और यह होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है टीबी, यानी कि यह फेफड़े यानी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है टीबी में, और ज्वर खांसी थूक में रक्त आदि होता है। तो अगर ये भी पूछेगा कि टीबी कैसा बीमारी है, जीवाणु जनित की बैक्टीरिया जनित, तो विक्टोरिया जनित है। नेक्स्ट है मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, तो दोस्तों यह इंसुलिन की कमी से होता है, हमारे पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय के लैंगरहैंस के बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, यदि इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं कर पाता है, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इसी को हम मधुमेह यानी डायबिटीज कहते हैं। नेक्स्ट है एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है, तो एड्स की जो बीमारी है वह विषाणु यानी कि वायरस द्वारा फैलती है, और यह एचआईवी वायरस द्वारा फैलती है, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और यह प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का जन्म स्थान माना जाता है, तो दोस्तों इसका जन्म स्थान माना जाता है अफ्रीका में।
नेक्स्ट है शारीरिक विकलांगता होती है तो वह कुपोषण के कारण होती है। सामान्य रूप से संतुलित आहार न मिलने से और जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन खनिज लवण जल इन सबको संतुलित मात्रा में भोजन में न मिलने के कारण शारीरिक विकलांगता हो जाती है। नेक्स्ट है एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है तो एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से। एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से। नेक्स्ट है लाभ जान निम्नलिखित में से किस रोग की अंतिम अवस्था है यह टिटनेस की अंतिम अवस्था लाभ जा होती है। टिटनेस को दोस्तों धनुष टंकार रोग टिटनेस या लाभ जा भी बोला जाता है। यह क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से फैलता है, ये ध्यान में रखिएगा, यह बैक्टीरिया से फैलता है और यह तंत्रिका तंत्र पेशियों को प्रभावित करता है। इसमें शरीर में झटका और बेहोशी होती है। नेक्स्ट है पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है तो दोस्तों पीलिया से आपका यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता है। पीलिया यह वायरल डिजीज है, ये भी ध्यान में रखिएगा। पीलिया कैसी है, पीलिया को जॉन्डिस या हेपेटाइटिस या यकृत शोथ भी बोला जाता है। यह पिकोरोना वरिडियो वायरस से फैलता है। हेपेटाइटिस ए बी सी ई होता है जिसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो यह विटामिन बी की कमी से होता है, इसका वैज्ञानिक नाम थायमिन है। सभी विटामिन के बारे में आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज हैं बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ फंगल डिजीज उन सब के बारे में मैंने ट्रिक के साथ डिटेल में बताया हुआ है। नेक्स्ट है चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था चेचक के टीके की खोज। नेक्स्ट है ट्रेकोमा किस अंग से संबंधित है तो जो ट्रेकोमा है वो आंखों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वह वायरस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा। जैसे कि दोस्तों रेबीज को अलर्क रोग भी बोला जाता है या रेबडो वायरस के द्वारा फैलता है। जो रेबीज होता है वह संक्रमित जीवधारी के काटने से फैलता है, संक्रमित जीवों के जैसे पागल कुत्ते के काटने से। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और पानी से डर लगता है, ज्वर आता है, श्वास लेने परेशानी होती है। तो यह भी क्वेश्चन पूछता है कि किस बीमारी में पानी से डर लगता है तो रेबीज के। संक्रमित जीवधारी से दूसरे जीव में फैलता है तो यह होता है आपका रेबीज हाइड्रोफोबिया, इसको अलग रोग भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी वायरस निम्नलिखित में से किस रोग हेतु जिम्मेदार है तो यह है पीलिया रोग के लिए। नेक्स्ट है डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है तो जो डेंगू होता है वह विषाणु के द्वारा होता है। इसको हड्डी तोड़ बुखार या बैक बोन फीवर भी कहते हैं। यह अर्बो वायरस एडीज एडिप्चाई मच्छर के काटने से होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और जो मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से होता है। नेक्स्ट है टाइफाइड यानी कि टाइफाइड नामक जीवाणु से होता है तो टाइफाइड नामक जीवाणु से होता है यानी कहने का इसके तात्पर्य है टाइफाइड किस जीवाणु से होता है तो यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है टाइफाइड। नेक्स्ट है प्लेग नामक बीमारी होती है तो जो प्लेग होती है वह चूहे के काटे से फैलता है, चूहे के द्वारा फैलता है प्लेग। यह पास्टुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। यह हमारे कुक आरबीसी को प्रभावित करता है, इसमें तीव्र ज्वर आता है।
नेक्स्ट है, किसके रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है? तो ब्रिक यानी किडनी के रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है। दोस्तों डायलिसिस कहते किसे हैं? जैसे कि जो ब्रिक रक्त को छानता है उसी प्रक्रिया को डायलिसिस बोला जाता है। लेकिन जब ब्रिक खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है, तो उसको कृत्रिम रूप से डॉक्टरों द्वारा डायलिसिस यानी कि रक्त को छाना जाता है, अलग किया जाता है, फिल्ट्रेट किया जाता है, उसी को डायलिसिस बोला जाता है। नेक्स्ट है, नवजात शिशु को बीसीजी का टीका लगाया जाता है तो वह जन्म के 7 दिन के भीतर लगाया जाता है। जितना ही लेट करेंगे उतना ही उसका प्रभाव कम होगा। वैसे एक वर्ष के भीतर भीतर जितना ही लेट करेंगे लगा देना चाहिए, नहीं तो जन्म के 7 दिन के भीतर सबसे आवश्यक है। नेक्स्ट है, ग्वाइटर यानी घेंघा रोग नामक बीमारी किसकी कमी से होता है? तो यहाँ पे आपका आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, डीपीटी का टीका बच्चों को किन किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो डीपीटी, डी से डिथरिया, पी से पर्टोसिस, टी से टिटनेस, इस ट्रिक को याद रखिएगा। डीपीटी डिथरिया यानी कि काली, डिथरिया हो गया, और पर्टोसिस यानी कि काली खांसी, टिटनेस, डिथरिया काली खांसी टिटनेस के लिए डीपीटी का टीका बच्चों को लगाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो यह होता है निमोनिया। निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया से होता है जो फेफड़े और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ज्वर, सांस में पीड़ा, बेहोशी आदि इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जल के संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पेचिस। पेचिस यानी कि डिसेंट्री जो होता है, जल के संक्रमण से फैलता है, और यह प्रोटोजोआ जनित रोग है। यह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ से फैलता है। इसको वाहक होता है दूषित भोजन व जल, एंड यह इसका जो हमारे आंतें होती है इससे प्रभावित होती है, खून के साथ दस्त आदि इसका लक्षण है। एंड दोस्तों प्रोटोजोआ जनित और रोग है जैसे कि आपका मलेरिया हो गया, यह प्रोटोजोआ जनित रोग है। यह परजीवी प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, और मलेरिया में आरबीसी व तिल्ली को प्रभावित करता है। ठंड के साथ बुखार आता है। उसके अलावा फाइलेरिया, टाइपवार्फ, निद्रा रोग, पायरिया, अमीबी पेचिस, कालाजार, ये सभी है प्रोटोजोआ जनित रोग। नेक्स्ट है, एड्स शरीर के किस भाग पर आक्रमण करता है? यह हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता पर आक्रमण करता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र जो है बहुत ही वीक हो जाता है। नेक्स्ट है, एमओवीआई हेतु उत्तरदायी जीवाणु किस प्रकार शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं? तो यह मुंह आमने सामने पड़ने से प्रविष्ट हो जाते हैं शरीर में। नेक्स्ट है, मलेरिया के रोगाणु पाए जाते हैं तो यह मादा एनाफिलीज मच्छर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, संक्रमण की यह बीमारी जिसमें त्वचा पर खुजली युक्त गोल गोल धब्बे उभर आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम कहते हैं रिंग वार्म। क्या कहते हैं? रिंग वार्म यानी कि दांत। इसको यह माइक्रो स्पोर मेलेनटेंसन ट्राइकोफाइटन नामक फंगल डिजीज है जो त्वचा को प्रभावित करता है। तो फंगल डिजीज यानी कि कवक के द्वारा फैलने वाले रोगों का ट्रिक है कि गंजा दमात खाए 6 फुट, यानी कि इसमें गंजापन यानी ब्लडनेस, दमा यानी अस्थमा, छाले यानी थ्रस्ट, अदार यानी रिंग वार्म, एथलीट फुट यानी हाथी पाव आदि रोग होते हैं फंगल डिजीज, फंगल के द्वारा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया कीजिए दोस्तों, और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। एंड अपना जो भी ऑथेंटिक बुक है उसको आप पढ़ते रहिए और मेरे साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए। मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी सेशन दिया गया है। सभी थ्योरी वीडियोज को आप जरूर देखिए, उसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा, मैंने ऐसे ढंग से आपको बताया हुआ है। तो दोस्तों
फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो को अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।